आप देखते हो गौ लेके जा रहे हैं, आप प्रशासन का मदद कीजिए, पुलिस से बोल लीजिए प्रोटेक्शन कि भाई लेके जा रहे हैं गौ, ये थोड़ी गोली मारने का था, अल्टीमेटली गोली मार दो। औलाद सबकी प्यारी है जी, खून सबका लाल है, यहाँ आके हम तो हिंदू मुस्लिम बन गए हैं, खून सबका लाल ही है। ये कहे ये मुस्लिम है ये हिंदू, जो अनाज मैं खाता हूँ वही अनाज मुसलमान खाते हैं, वही सिख खाते हैं, वही कसाई का सब खाते हैं, सिर्फ उनका नाम अलग अलग होगा भाई, वो काट के मांस काट के बेचते हैं, हम काटते नहीं हैं, जिसका जो धर्म हो करेगा करेगा, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। इनके 19 साल के बेटे आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों ने गोली मार दी। हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षक अनिल कौशिक को ये टिप मिली थी कि जिस गाड़ी में आर्यन अपने दोस्तों के साथ जा रहा है उसमें दरअसल गाय की खरीद फरोख्त करने वाले कुछ मुसलमान सवार हैं। अनिल कौशिक ने अपने 4 और लोगों के साथ मिलकर इस गाड़ी का पीछा किया और आर्यन को मुस्लिम गौ तस्कर समझकर गोली मार दी। अनिल कौशिक ने पुलिस के सामने आर्यन के पापा से कहा कि उससे भूल हो गई। अनिल कौशिक लिव फॉर नेशन के नाम से एक काओ विजिलांटे आउटफिट का मुखिया है। यूं तो पुलिस का कहना है कि अनिल कौशिक को इससे पहले कभी किसी गाड़ी को चेस करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन उसके YouTube चैनल पर इस तरह के वीडियोस देखे जा सकते हैं। अनिल कौशिक के फेसबुक प्रोफाइल पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और बहुत सारी विवादित तस्वीरें नजर आती हैं। पिछले साल नू मेवात में हुए दंगों के बाद हरियाणा पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के अलावा अनिल कौशिक को भी अक्यूज बनाया था और समन्स इशू किए थे। इसके अलावा अनिल कौशिक के ऊपर और भी कुछ FIRs रजिस्टर्ड हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के चरखी दादरी में 26 साल के साबिर मलिक को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। कुछ लोगों को साबिर और उसके एक दोस्त सिराजुद्दीन पर शक हुआ कि वो लोग जो मीट खा रहे हैं वो दरअसल गाय का मांस यानी बीफ है। पुलिस ने आकर मीट का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा, लेकिन जब तक रिपोर्ट वापस आती तब तक लोगों ने साबिर को सजा देने के लिए उसे पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की। इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक विवादित बयान भी सामने आया। गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, इनको कौन रुकता है, फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो। हरियाणा में इस तरह के गौरक्षकों की गुंडागर्दी कोई नई कहानी नहीं है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को भला कौन नहीं जानता। इस तरीके के गौरक्षक संगठनों के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर भी सवाल उठते आए हैं। अजय मिश्रा जो कि बड़े भाई हैं आर्यन मिश्रा के, उन्होंने कैमरे पे बात करने से तो खासा इनकार किया, उसके लिए उनके प्रोफेशनल रीजंस थे क्योंकि वो जॉब करते हैं और तमाम बातें हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। अजय मिश्रा ने हमें बताया कि जब पुलिस से इनकी बात हुई आर्यन के मरने के 3-4 दिन बाद, तो पुलिस ने जो पहला बयान अजय को दिया वो ये कहा कि अनिल कौशिक तो बहुत अच्छे आदमी हैं, गौरक्षक हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो अजय ने पलटकर पुलिस से पूछा कि अगर अनिल कौशिक अच्छे आदमी हैं तो अनिल कौशिक ने भला गोली कैसे चला दी और 30 किलोमीटर तक एक गाड़ी का पीछा हवा में बंदूक घुमाते हुए कैसे किया। तो पुलिस ने इस चीज़ का खासा जवाब नहीं दिया। अजय मिश्रा को, अजय की माता जी को, उनके पिता को, अनूप को, इस पूरे परिवार को ये लगता है कि अनिल कौशिक और ये बाकी के 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनके पास खासा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। गौर रक्षक होने के नाम पर ये लोग कुछ खास गुटों से पॉलिटिकल पावर बैक्ड हैं। हम तीनों के वही सहारा था, जब मर्जी कहीं लेके जाता, बुला के ले जाता, दवाई खिलाता, चाय बना के देता, कुछ देता, सर हमारा वही सहारा था। और हमारा छोटा बच्चा छीन लिया, हमारा बहुत लाडला था, बहुत खाना मांगता था किसी से नहीं। अभी मार्केट में पूछिएगा तो यहाँ पे 2 साल से पूरी मार्केट बनाता रखा था, सब उसके चहेते बने हुए थे। कौन सी बात आपको सबसे याद आ जाती है? आप वो मत को जाती है तो
कोई बात नहीं माता जी, देखो सवाल ये है कि इस तरीके की गुंडागर्दी करने वाले गौरक्षक संगठन, जिन्हें हमारे ही समाज ने जन्म दिया है, क्या अब समाज के लिए ही नासूर बन गए हैं? क्या आर्यन मिश्रा की जगह कल किसी और को मुसलमान गौरक्षक समझकर गोली मारी जा सकती है? कैमरा पर्सन मदनलाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।